नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सएप अंकल। ये वाली खबर तुमने सुनी क्या? नीट का पेपर लीक हो गया। आई नो कि ये खबर तुम्हें अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी, लेकिन बच्चों अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो इसके तुम्हें कई बेनिफिट नजर आएंगे। देखो बच्चों, पेपर अभी लीक हुआ, एग्जाम अब दोबारा होगा, छात्र अब एग्जाम देने के लिए टेस्ट सेंटर पर दोबारा जाएंगे, इस दौरान वो बस, ऑटो, ट्रेन, रिक्शा इन सब का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स देश को। बच्चों जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट सेंटर से काफी दूर घर है और सुबह सुबह परीक्षा है, तो वो घर से टेस्ट सेंटर जाने का रिस्क थोड़ी ना लेगा जी। एक दिन पहले जाकर वहां आसपास कहीं पर होटल बुक, एक दिन वहीं पर उसको रुकना पड़ेगा। ऐसे हजारों लाखों बच्चे होटल बुक करेंगे, तो इससे होटल का बिजनेस बढ़ेगा। तो देखो बच्चों, एक पेपर लीक से इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होकर सोचो, देश हित में सोचो। पेपर लीक हुआ और इसका सीधा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को हो रहा है। बच्चों मैं तुम्हें अब कुछ आंकड़े देता हूँ, इस वाली खबर को देखो। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए और करीब 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स इससे प्रभावित हुए। 1.7 करोड़, सोच रहे हो ना, तुम होटल, ट्रांसपोर्ट और खाने पर होने वाले खर्चे को 1.7 करोड़ से मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना फायदा पहुंच रहा है अर्थव्यवस्था को। पेपर लीक होने से भले ही छात्र कुछ वक्त के लिए परेशान होते हैं, पर ये अपना डायरेक्ट योगदान इंडियन इकोनॉमी में देते हैं। बच्चों यही तो बलिदान है, यही तो त्याग है। मीडिया में जो खबर चल रही है उस पर ध्यान मत दो, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे कहूंगा कि बेटा तुम देश हित में इतना कुछ नहीं सह सकते। एक इंसान ने अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, संतों वाली जिंदगी गुजर बसर करते हैं, दिन में 4-5 बार कपड़े तो सिर्फ इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उन्हें तेज बदलाव पसंद है। कपड़ा बदलाव का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि तुम अब पूछोगे कि जिस करोड़ों की जहाज में वो घूमते हैं वो किस बात का प्रतीक है भाई। बच्चों इससे देशवासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम देश को जहाज की रफ्तार से भी तेज तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसी तरक्की का ना क्विक फॉर्मूला है जी पेपर लीक, जिसका सीधा कनेक्शन इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ से है, समझेगी नहीं। बच्चों साल 2014 के बाद से इंडियन इकोनॉमी में तेजी से बदलाव आया। अब तुम इसी खबर को देख लो, भारत में 7 में से 1 स्कूल ऐसा है जहां पर पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद है, सिंगल टीचर स्कूल। स्कूल में टीचर अगर पढ़ाने के लिए सिर्फ एक है तो इसका भी एक भयंकर फायदा है, वो कैसे तो इसको समझो। अब देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 30 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, वहीं अपर प्राइमरी स्कूल में 35 छात्रों के ऊपर एक टीचर का होना अनिवार्य है। ये सब बिल्कुल बोगस बात है। अभी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है तो इसका बेनिफिट क्या है इसको समझो। बच्चों कम टीचर होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलेगा, बच्चे आपस में ग्रुप स्टडी कर पाएंगे, ज्ञान का आदान प्रदान ज्यादा हो सकेगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को पढ़ाएगा, तीसरा बच्चा चौथे बच्चे को पढ़ाएगा, एक दिन पूरा स्कूल ही टीचर हो जाएगा। फिर अभी जो एक टीचर है उसको भी हटा दिया जाएगा, बच्चा बचपन से ही टीचिंग स्किल सीखने लग जाएगा, फिर बीएड एमएड जैसी डिग्रियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। टीचर सबको ट्रेन करने पर जो सरकार पैसा खर्चा करती है उसे भी बचाया जा सकेगा। नए भारत में टीचर का सब झंझट खत्म। अभी हम सिंगल टीचर स्कूल हैं, आने वाले समय में हम जीरो टीचर स्कूल बनाएंगे जहां छात्र ही छात्र को पढ़ाएगा, फिर एक दिन यही छात्र पूरे विश्व को पढ़ाएंगे। इस तरह हम बन गए ना विश्व गुरु। यही है वो क्विक फॉर्मूला जिससे 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी ने कहा भी है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे। वो अलग बात है कि 2023 के हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में हम 111वें स्थान पर थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे। देश भुखमरी से मर रहा है और 2047 में विकसित देश का सपना दिखाया जा रहा है, कितना लंबा फेंकते हैं मोदी जी। माफ करना बच्चों, बीच में गलती से सच निकल गया। खैर बच्चों हम बात किस टॉपिक पर कर रहे थे, अच्छा शिक्षा व्यवस्था। बच्चों कांग्रेस की अगुवाई वाली जो यूपीए सरकार थी उसने साल 2004 से लेकर साल 2014 तक शिक्षा पर जीडीपी का औसतन 0.61% पैसा खर्च किया। मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले शिक्षा पर जीडीपी का 6% पैसा खर्च करने का वादा करती है, लेकिन किया कितना, तो साल 2014 से लेकर साल 2024 तक जीडीपी का औसतन 0.44% ही पैसा खर्च किया, यूपीए सरकार से भी कम। बच्चों मैंने कहा ना कि सरकार को शिक्षा पर पैसा खर्च करने की जरूरत है ही नहीं, ये एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जहां स्टूडेंट ही शिक्षक है, शिक्षक ही स्टूडेंट है।
फिर पैसे कहाँ खर्च करना। अब बच्चों तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये वाला डेटा दिखाने लगोगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च यानी ASER की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 के सिर्फ 1/4 छात्र ही अपनी कक्षा के लेवल के गणित को सॉल्व कर पा रहे थे, वहीं सिर्फ 20% छात्र ही कुछ लिखे हुए को पढ़ पा रहे थे। अब बच्चों क्या तुम नहीं जानते कि इस देश में कितनी ईर्ष्या है। एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। क्लास 3 के स्टूडेंट सबके साथ लगता है यही हुआ है। स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है, स्टूडेंट ही शिक्षक है, शिक्षक ही स्टूडेंट है, तो लगता है टॉपर स्टूडेंट सब अपने फेलो को फेल कराने के लिए गलत सलत पढ़ा दिया। इसलिए तो ये लोग अपने स्टैंडर्ड के गणित को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और न ही कुछ लिखे हुए को पढ़ पा रहे हैं। बट इट्स फाइन, सबको गणित थोड़ी पढ़ना है। जो गणित में कमजोर है वो हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ लेगा, क्या है इसमें। वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी की सरकार में कांग्रेस ही सब जो टेक्स्ट बुक में गलत गलत सिलेबस पढ़ा रहा था सबको हटाया जा रहा है। नया भारत है ना जी, तो नया सिलेबस होगा। मुगलों को मोदी जी की सरकार ने मिटा दिया। अरे टेक्स्ट बुक से अब तुम लोग मुझे चिढ़ाने के लिए बोलोगे कि किताबों से मुगल को मिटा सकते हो पर गूगल से नहीं। ताली बजा दे, लो बजा दी, बजाते रहो, खुश हो जाओ। लेकिन अब सिलेबस तो तुम्हें नया नया ही पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 12वीं के सिलेबस से जाति विरोधी आंदोलन के संघर्ष के पाठ को ही हटा दिया गया। इस अध्याय में जाति विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले का जिक्र था। बच्चों ना अब इस पाठ को कोई पढ़ेगा और ना ही जाति के बारे में कोई बात करेगा। अब क्लासरूम में जातिवाद संघर्षों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जातिवाद एकदम जड़ से खत्म कर दिए हैं मोदी जी। वो अलग बात है कि दिसंबर 2023 में शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में जो आंकड़ा दिया वो काफी चौंकाने वाला था। पिछले 5 सालों में 2652 शेड्यूल ट्राइब, 2424 शेड्यूल कास्ट और 4596 ओबीसी छात्रों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की वजह से कैंपस छोड़ दिया। बच्चों अब एनसीईआरटी के पुस्तक में गुजरात दंगों को भी नहीं पढ़ाया जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद, भगवान राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को भी पाठ से हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद का जिक्र अब नहीं होगा, इसकी जगह पे अब 3 डोम स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। अब तुम सवाल पूछोगे कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस और इसके बाद की सांप्रदायिक हिंसा की जानकारी को पाठ से क्यों हटाया गया। इसको तो सबने देखा है, पर इस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी कहते हैं, हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए, हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक और डिप्रेस। मतलब हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में जो पुस्तक पढ़ी थी इसलिए आज डिप्रेशन में है। देश के युवाओं में जो इतना डिप्रेशन है उसका कारण लगता है एनसीईआरटी का यही पाठ था। बच्चे पढ़ रहे थे और डिप्रेस्ड हो जा रहे थे। बच्चों को बेरोजगारी से कहां डिप्रेशन होता है, खराब शिक्षा व्यवस्था से कहां कोई डिप्रेशन होता है, लो स्टैंडर्ड लाइफ से कहां कोई डिप्रेशन होता है। सब डिप्रेशन का कारण एनसीईआरटी का यही पार्ट था। हम कहें ना कि ये सरकार बहुत डीप सोचती है, अब इन चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया है, डिप्रेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी की सरकार ने डिजिटल इंडिया के नाम पर खूब ढोल पीटा, पर देश में जब कोविड आया ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत पड़ी, सब डिजिटल इंडिया फुस। बच्चों साल 2020 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान 60% अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के छात्र हाई स्पीड इंटरनेट, पावर सप्लाई और डिवाइस न होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार नहीं थे। बच्चों नॉन बायोलॉजिकल आदरणीय मोदी जी की सरकार में देश भर के केवल 7% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की फैसिलिटी है। पता है स्कूलों में कंप्यूटर क्यों नहीं लगाए जा रहे। इसका एक भयंकर फायदा है, स्कूल में पहले से टीचर नहीं है, मतलब कोई निगरानी करने वाला पहले से नहीं है, कंप्यूटर लगा दिया जाएगा, बच्चा सब गेम खेलेगा, गेम खेल खेल कर अपनी आंख खराब कर लेगा, फिर एक दिन सबकी आंखों में चश्मे लग जाएंगे, तो कंप्यूटर स्कूल में लगाना बेकार है। इसलिए बच्चों सरकार स्कूल में कंप्यूटर नहीं लगा रही है, समझे कि नहीं। बच्चों तुम लोग पिछले कुछ सालों में सरकार के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट क्यों करने लग जा रहे हो, कभी फेलोशिप को लेकर प्रोटेस्ट करते हो, कभी स्टाइपेंड मिलने में देरी हो जा रही है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, कभी कॉलेज और हॉस्टल फी बढ़ने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हो, कहीं हॉस्टल में वेज और नॉन वेज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी को लेकर प्रोटेस्ट करने लगते हो, क्यों करते हो ये सब। अच्छी शिक्षा चाहिए, लेकर क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी करो। सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरी देगी भाई, आत्मनिर्भर बनो, पढ़ लिख कर कुछ नहीं होगा, पकोड़ा तलो, सरकार यही कह रही है तुम्हें, पढ़ लिख कर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, पकोड़ा तलो, इससे देश तरक्की करेगा। ज्ञान चाहिए तो पकोड़ा तलते तलते व्हाट्सएप देख लो, अंकल लोग वहां पर बहुत सारा फॉरवर्ड करते हैं। इतिहास की जानकारी होती है, भूगोल की जानकारी होती है, मौसम की जानकारी होती है, साइंटिफिक रिसर्च की जानकारी होती है, क्या नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, हर तरह की जानकारी है। अभी पकोड़ा तल रहे हो तो बीच में रुक के ये वाली वीडियो को फॉरवर्ड कर देना जल्दी से, फिर पकोड़ा तलना, ठीक है। नमस्कार।